नमस्ते प्यारे दोस्तों, यदि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप उसे चला सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। जब भी आप अपना नेटवर्क कनेक्शन देखते हो उसमें लिमिटेड एक्सेस आता है या एक्सेस नहीं होता, तो आप उसके ट्रबल शूट में जाते हो इंटरनेट कनेक्शन में, तो वहाँ आपको समस्या आती है कि डायग्नोसिस पॉलिसी सर्विस इज नॉट रनिंग। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपने सीएमडी में जाना है, अपने कमांड में सीएमडी, उसको आपने ऐसे नहीं खोलना, ठीक है? ये ऐसे भी खुल जाता है, ऐसे नहीं खोलना, आपको उसको एडमिनिस्ट्रेटर में खोलना है सीएमडी। उसके एडमिनिस्ट्रेटर में आपने जाना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, यस कर दीजिए। अब इसमें आपने दो कमांड अप्लाई करनी है। पहली कमांड है नेट लोकल, ये वाली फर्स्ट कमांड है, और ये है वाली सेकंड कमांड है, ये वाली फर्स्ट कमांड है, ओके, और ये वाली सेकंड कमांड है। तो फर्स्ट कमांड है नेट, लिखते हम नेट, फर्स्ट कमांड लिखेंगे ना, ये वाली फर्स्ट कमांड, नेट स्पेस लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेस, हैश लगा दीजिए, ये ओब्लिक, फिर एड नेटवर्क सर्विस, देख के आपने कोई स्पेस नहीं देना, और फिर एंटर डालना है आपने। एक बार फिर कहता हूँ, कोई कोई मिस्टेक है, ऑलरेडी नंबर ऑफ ग्रुप, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है? इसको आपको, अगर आपका नेट, मेरा क्योंकि नेट चल रहा है, आप देख सकते हो मेरा नेट चल रहा है, ओके। अगर आपका नेट नहीं चल रहा तो आप ये है कमांड लगा सकते हो। एक बार फिर ट्राई करता हूँ, नेट लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर एड नेटवर्क सर्विस, नेटवर्क सर्विस, और दूसरी जो कमांड है, जब आपका नहीं चलेगा तो यहाँ डन हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। दूसरी कमांड यहाँ आपने देनी है, यहाँ आपने दूसरी कमांड देनी है, नेट लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर एड लोकल सर्विस, ये 1338 स्किप करके दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ही हमने ये कमांड सक्सेसफुल कर चुके हैं, ओके। उसके बाद इसको एग्जिट कर दीजिए। उसके बाद आपने सर्विसेज में जाना है, जस्ट सर्च कीजिए सर्विसेज, ओके, इसमें चले जाइए, और इसमें खोजिए डायग्नोसिस पॉलिसी सर्विस ABCD, ये आगे डायग्नोसिस पॉलिसी सर्विस, इसको ओपन कीजिए। ये ऑटोमेटिक है, ओके, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, और उसके बाद इसको स्टार्ट को बटन दबा देना है, फिर अप्लाई करना, फिर ओके करना है। उसके बाद आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना है, उसके बाद आपका यह नेट जो है चल जाएगा। उसमें आप application.com खोल सकते हो, ओके। थैंक यू वेरी मच।